तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा NBS की ओर से, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसके फाइनल फॉर्म फिलअप के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर नहीं रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले दोस्तों, मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि NBS में TGT PGT और यहाँ पर प्रिंसिपल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। डेट की बात कर लेते हैं, तो 2 जुलाई से फॉर्म भरना आज की डेट से स्टार्ट हो चुके हैं। 22 तारीख तक अभी फॉर्म भर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए फीस दोस्तों यहाँ पर 2000 है, PGT की 1800 और TGT की यहाँ पर 1500 रुपये फीस आपको लगने वाली है। 1616 पोस्ट रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी सभी चीज़ें मैं आपको पहले रीड आउट करा चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है पिछला वाला वीडियो तो वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। चले दोस्तों, यहाँ पर सिंपल तरीके से आप आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। ऊपर सबसे पहले रिक्रूटमेंट ड्राइव आपको सेक्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहां पर नाम देना है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम है तो दे सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर मिडिल नेम आप छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम दोस्तों यहाँ पर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मदर्स नेम देना है, मदर्स नेम के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फादर्स नेम देना है, तो जो भी आपका फादर्स नेम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ देना है, तो जो भी आपका ID प्रूफ है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर देंगे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन धर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पर जो पेमेंट का क्राइटेरिया है उसको भी आप चेकआउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, चाहे आप SC से हों, ST से हों, OBC से हों, किसी भी कैंडिडेट से हों, आप यहाँ पर अलग अलग फीस का क्राइटेरिया देख सकते हैं। एक से अधिक पोस्टों के लिए एक साथ आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर अलग अलग फीस पे करना पड़ेगी, मतलब फॉर्म तो एक ही रहेगा लेकिन फीस आपको अलग अलग पे करना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हम OBC या जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। EWS चाहे तो EWS सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करेंगे। इसके बाद यदि आप NBS में पहले एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में है सेंट्रल गवर्नमेंट तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। जम्मू कश्मीर से संबंधित रखते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर रखेंगे। इसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप नो करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एड्रेस देना है, तो जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट या करस्पॉन्डेंट एड्रेस वो आपको यहां पर लिख देना है। यहां पर आप एड्रेस की पहली लाइन लिखेंगे, दूसरी लाइन लिखना जरूरी नहीं है। यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ पर स्टेट के बाद जिला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। दो बार दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, दो बार आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पोस्टों की, तो पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर एक साथ ही आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट हो, PGT की पोस्ट हो या फिर आपकी TGT की। दोस्तों यहाँ पर आपको जो अप्लाई करेंगे उसका आपको पेमेंट सबका अलग अलग एक साथ ही पेमेंट आपको करना है। पेमेंट अलग अलग का मतलब दोस्तों यहाँ पर पोस्टें एक साथ अप्लाई होंगी, पेमेंट लेकिन आपकी अलग अलग लगेगी। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम आपके लिए दो पोस्टों के लिए अप्लाई करके बताते हैं, आपको उसमें पेमेंट का भी कंफर्म हो जाएगा। PGT की बात करते हैं तो PGT को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के साथ, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। डू यू द प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन अप्लाई द, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर जरूर चेकआउट कर लीजिए कि क्या क्या आपसे मांगा गया है PGT या TGT में, इसको जरूर रीड आउट कर लीजिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम PGT के बाद दोस्तों यहाँ पर हम TGT सेलेक्ट करेंगे। TGT में दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हमारा हिंदी सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहां पर आपको यस करना है, CTET क्वालिफाइड में यस करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपनी एक लैंग्वेज देना, सेलेक्ट लैंग्वेज फॉर द Part 4 के लिए, तो दोस्तों यहाँ 6th पार्ट के लिए यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आए मिसलेनियस में, दोस्तों यहाँ पर यदि आप
जोड़ेंगे तो आपको इसका भी अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए हम नहीं जोड़ते हैं इसको। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको आपका एग्जाम सेंटर देना है, तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ऑल इंडिया के एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑल इंडिया के एग्जाम सेंटर में जो भी आपके नियरेस्ट में रहेंगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा भरना है, डाटा भरना है सबसे पहले आपको टेंथ का भरना है आपको पासिंग ईयर, टेंथ का पासिंग ईयर के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम भरना है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेंथ का आप परसेंट भरेंगे, टेंथ के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्वेल्थ का परसेंट भरना है, तो जो भी आपका ट्वेल्थ का परसेंट है, जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपका परसेंट डालना है। परसेंट के बाद दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा में आपको सी टेट का यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर हम सी टी और यहाँ पर सी टी टी या सी टेट जो भी है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पर सी बी एस सी बोर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके सी टी टी का दे सकते हैं। यहाँ पर परसेंट आपको दिया गया होगा, जो भी आपका परसेंट रहा हो वो आप यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है बी एड, बी एड है तो आप बी एड सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट में यहाँ पर आप बी एड लिख सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम इसका पासिंग ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो जहाँ से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंट लिखना है बी एड का, बी एड के परसेंट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भरना है, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, बीए किया है बीएससी किया है वो आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर भरना है, यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम हमारा सेम है, आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग एंट्री करेंगे और यहाँ पर ग्रेजुएशन का परसेंट डालेंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने किया है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का नाम देंगे और यहाँ पर हम सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पासिंग ईयर देंगे, यहाँ पर हम बोर्ड का नाम देंगे, बोर्ड के नाम के बाद दोस्तों यहाँ पर हम पर्सन लिखेंगे। पर्सन लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड देना है, तो जिस भी तरीके से कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको सेव करना है। एक बार आप यहां पर सेव करेंगे तो आपको यहां पर दोस्तों प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा, आप यहां पर अपना प्रीव्यू पूरा चेकआउट कर लीजिए। सही है तो आप यहां पर इसको नेक्स्ट करेंगे, सही है तो आप दोस्तों यहां पर इसको नेक्स्ट करेंगे। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ यहां पर मिसमैच है तो यहां पर आप एडिट पर जाके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो नो चेंज द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर क्लिकिंग ओके, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया कि आपका यहाँ पर इसके बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, तो जो भी चीज़ है सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए, इसके बाद ही दोस्तों यहां पर आप इसको ओके कीजिए। ओके करेंगे तो दोस्तों यहां पर अब आपको एक फोटो लगाना है 10 से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में, सिग्नेचर लगाना है 10 से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पर आप इसलिए चेकआउट कर लीजिए क्योंकि इनकेसेस यदि लाइट जाती है आपका एरर बताता है तो दोबारा से आप यहीं से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फोटो लगा लेते हैं, फोटो सिग्नेचर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट वाले सेक्शन पे अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप और आएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट आपका 3300 रुपये है, 1800 आपका पीजीटी का हो गया और यहाँ पर 1500 रुपये आपका यहाँ पर टीजीटी का हो गया। यदि आप इसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट बारी बारी से आपका यहाँ पर डिडक्ट होता जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, पेमेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग पे, UPI से, स्कैन पे से, किसी से भी आप यहां पर पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम पेमेंट कंफर्म करते हैं। पेमेंट के लिए दोस्तों यहां पर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको यहां पर कार्ड नंबर देना है, CVC एक्सपायर डेट देना है, कैंडिडेट का नाम देना है जिसका कार्ड है, और यहां से आप प्रोसीड करेंगे, पेमेंट कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंफर्म होने के बाद दोस्तों जैसे दोस्तों यहां पर आपका पेमेंट कंफर्म होगा, फाइनली आपका यहां पर प्रिंट आ जाएगा, तो प्रिंट आप यहां पर रख सकती हैं, चेकआउट कर सकती हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।